हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जिससे कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। और ये वीडियो 11th 12th के बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कंसेप्ट बनता है इससे। सो फर्स्ट वी डील विथ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron. Shared pair means bond pair. Suppose A bonded with B by means of a single bond, then this is the shared pair of electron. ये क्या है? ये bond pair है, इसी को shared pair कहते हैं। अगर ये bond pair थोड़ा सा A की side में shift हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि A will be slightly electronegative as compared to B. A क्या है? More electronegative है B से, थोड़ा सा ही सही लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है B से। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिखेंगे, जैसे लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये हमारे सारे सेकेंड पीरियड के मेम्बर हैं। लीथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.0, ये एक नियर अबाउट वैल्यू है। इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जानने के लिए आप लीथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 5 ऐड करते चलिए, 0.5, तो ये 1.5 हो गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3.5 हो गया और ये हो गया 4। नाउ ऐसे ही अगर हम सोडियम के लिए लिखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूछा जाता है। तो मैं आपको एकदम उसी का ट्रेंड बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई 0.9, ये एक नियर अबाउट वैल्यू है। अब इसमें हम 0.3 ऐड करते जाएंगे, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी वो हमेशा नाइट्रोजन के इक्वल होगी और वो क्या होगा, 3.0। इसमें कंसेप्ट क्या था याद रखने वाला, नाइट्रोजन के इक्वल वैल्यू होगी क्लोरीन की, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 0.5 वैल्यूज ऐड करनी है और जो सेकेंड पीरियड है उसमें 0.3 की वैल्यू ऐड करनी है। नाउ ये भी ऐड करना है और ये भी ऐड करना है। नाउ सेकेंड कंसेप्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का साइज जो है वो क्या है, प्रोटॉन के कारण है और न्यूक्लियस का चार्ज भी प्रोटॉन के कारण है। तो अगर कहीं पर प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका अगर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब अगर कोई ऐसा आयन है जैसे मान लीजिए Al3 पॉजिटिव, इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा होगा, इसलिए इसका
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी इसकी ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कंसेप्ट नंबर फोर्थ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये तभी अराइज होता है जब हाइयर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जैसे ही हाइयर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे एटम का साइज बड़ा हो जाएगा, और एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। फिफ्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब जैसे हम लिखते हैं sp, sp2, sp3। यहाँ देखिए, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है, यहाँ 33.33% है, यहाँ 25% है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइजेशन की होगी, देन sp2 की होगी, और सबसे कम sp3 की होगी। सिक्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स Al3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, Ca2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम, सॉरी Mg2 पॉजिटिव कर देते हैं इसको, सोडियम पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी कम। नेगेटिव में अगर बात करें तो जैसे 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 कि फ्लोरीन नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा होगी। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज के कंसेप्ट पे बात की जा रही है। सॉरी, फ्लोरीन नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम होगी, और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि जो रिलेशन है वो क्या है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना छोटा होगा उतना ही बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी। सेवेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। इसको भी हम सेम प्रीवियस एग्जांपल से ले सकते हैं, sp बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा, sp2 बॉन्ड एंगल उससे छोटा, sp3 बॉन्ड एंगल इन तीनों में सबसे छोटा, तो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। दूसरा रीज़न ये है कि इसके पास s कैरेक्टर सबसे बड़ा है। ऑर्गेनिक में आते हैं, ऑर्गेनिक का कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज। सपोज दैट देयर आर टू रिंग्स, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है और एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ स्मॉलर रिंग विल बी हाई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और इसका क्या होगा, लो EN वैल्यू। EN वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जहाँ प्लस आई इफेक्ट बड़ा होगा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जहाँ माइनस आई इफेक्ट बड़ा होगा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, प्लस आई इफेक्ट के फॉर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम आएगी। जैसे कि सपोज ये है, तो यहाँ पर इसका प्लस आई इफेक्ट बड़ा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होगी वो लेस होगी, और यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट बड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होगी वो मोर होगी हमेशा। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन।
नाउ एक कंसेप्ट और है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज लेस देन 2.1, लेस देन 2.1, EN इज लेस देन 2.1, देन इट मस्ट बी एसिडिक। Electronegativity is more than 2.1, then basic and electronegativity is nearly equals to 2.1, then almost equal, then it will be amphoteric. So guys, अगर आप इतना concept याद रखते हैं तो आपके नीट के जेई के कोई भी सवाल आराम से बन जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और एक अगर आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।